चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे दिल्ली के लिए एक राहत वाली खबर है। दरअसल दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने देश का पहला कोविड केयर सेंटर, पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट एक बार में 20 बेड पर फुल फ्लो के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है और आज शाम में ये फंक्शन करने लगेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिसके चलते मरीजों की संख्या भी कम की गई और इस प्लांट के लगने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत इस सेंटर में कम होगी और मरीजों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। देखिए संवाददाता राजू राज की ये रिपोर्ट। ऑक्सीजन की किल्लत के बाद प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है। इस वक्त मैं हूँ राजधानी दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज के कोविड केयर सेंटर में और ये पहला कोविड केयर सेंटर है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले जी न्यूज़ पे आपको दिखाई जा रही है कि यहां पर ये प्लांट बनाया गया है और आज शाम से ये फंक्शन में आ जाएगा। कैसे फंक्शन करेगा, कितने लोगों को ये ऑक्सीजन मुहैया करा पाएगा, जो पेशेंट है यहां पर 500 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती हैं उसके इलाज यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ भी हमने देखा बीच में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसे ये फंक्शन करेगा, डॉक्टर सैयद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो प्लांट पहला प्लांट है जो आपके सेंटर में बनाया गया है, कैसे फंक्शन करेगा, किस तरीके से काम करेगा और कितने मरीजों को इससे फ़ायदा होने वाला है? सर, ये बेसिकली नेचुरल एयर पे काम करता है। नेचुरल एयर को ये लार्ज स्केल पे कॉन्सेंट्रेट करके अब तो 95% ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है और ये हमारे अराउंड 15-20 बेड्स को कवर करेगा। डॉक्टर राघव, हमने देखा था पिछले दिनों और राजधानी दिल्ली में भी कई तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग भागे फिर रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, कितना फ़ायदा होगा इस प्लांट लगने से? सर, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है ये मेनली उन पेशेंट्स के लिए जो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में, उनका सेचुरेशन अब 90% है, उनका हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट लोड है ताकि थोड़ा कम हो पाए, वो पेशेंट यहाँ पाए तो हम उनको 90% से ऊपर सेचुरेशन पे इजीली मेंटेन कर पाए 24/7 विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको इन बीच के दौरान में, क्योंकि पूरे दिल्ली में इस तरह की दिक्कत थी? सर, पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में ऑक्सीजन का क्राइसिस है। तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था ऑक्सीजन बेड्स, बट पीछे से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो हमने ऑक्सीजन बेड जो फंक्शन है थोड़ा कम किया। अब ये स्टार्ट होगा तो वी कैन ईजिली स्टार्ट विद 15-20 मोर बेड्स राइट नाउ। एक बार में कितने मरीजों को यहाँ से जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है वो मुहैया कराया जाएगा? सर, अभी हमारे 150 बेड्स फंक्शनल थे बट ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से थोड़ा कम करना पड़ा। अगर ऑक्सीजन क्राइसिस पूरा क्लियर हो जाता है और ये प्लांट जब जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम बैक टू फुल फंक्शन स्टार्ट कर सकते। कब तक उम्मीद है कि ये प्लांट फंक्शन में आ जाएगा? सर, वी आर होपिंग कि आज शाम तक ये प्लांट हमारा फंक्शनल हो जाएगा एंड वी विल बी टेकिंग पेशेंट्स। तो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है, जो कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी देखा गया था जिसके वजह से मरीजों को भर्ती नहीं लिया जाता, मरीजों की संख्या कम की गई थी, अब इस तरीके से प्लांट लगने के बाद ये सुविधा निश्चित तौर पर मिलेगी और 500 बेड वाला ये कोविड सेंटर फिर से पूरे स्ट्रेंथ के साथ फंक्शन करेगा और लोगों की जो दिक्कत है उसको कम होगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।